देख अमेजोन पर लिस्ट करता था बिजनेस है नी, बेचा का गोबर थे थे खूब पैसा कमा, करोड़पति बन जा करोड़पति तू। उसे नहीं पता कि मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। खैर अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और भाई सही बताऊँ ना, आज मेरी आँख इतनी भयंकर की पेन कर रही थी ना, मैं सुबह उठा 8-9 बजे करीब, चाय पी के वापस सो गया। 10 बजे करीब उठा, मैंने अपनी आँख में दवाई डलवा के फिर सोया, फिर लाइट चली गई 12 या 1 बजे तक फिर से सोया, और फिर सोने के बाद फिर मैं उठाऊँ अभी 2 या 3 बजे करीब, और फिर मैं दवाई डाल के फिर आधे घंटे फिर सोया हूँ, और अभी बज रहे हैं 4:30। तो आज सुबह की शुरुआत, मतलब आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है, मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हो, नीचे कमेंट करके बता देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब। 6 बजे सूर्य देवता पूर्णतया अस्त होने की कगार पर, और डाबी जो है, डाली और लाली दोनों तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। भाई खाने में क्या बनाना है, वैसे टमाटर बनाने वाले थे, मैंने बोल दिया कि नहीं टमाटर नहीं बनाने, दाल बनेगी अभी। और मम्मी इधर लग रही है ये गोबर का जो उपले पिंडाड़ा छापने नहीं उपले होता है ना, तो बहुत सारे उपले हैं अमेजोन पे, 600-600 रुपये के 10 मिलते हैं, अपने भी यहीं से बेचेंगे। आप मम्मी यही बिजनेस बढ़ाएंगे अपने, है ना, देख अमेजोन पे लिस्ट करता था बिजनेस है नी, बेचा का गोबर थे थे खूब पैसा कमा, करोड़पति बन जा करोड़पति तू, लागी लागी यही काम है ये ऐसा भाई साहब। इसके बाद ये पूरा ऐसे पूरा पैक कर देंगे गोबर से, उसके बाद इस पर लकड़ियाँ जमा के और इसको पूरा कवर किया जाएगा, क्योंकि बारिश आने वाली है, तो ये सब हमने सेफ़ रखने हैं सारे के सारे, मतलब ये बारिश में जलाने के काम आएंगे, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह सब गीली हो जाती हैं, तो ये जलाने के काम आते हैं, और सर्दियों में भी ये जलाते हैं। और कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे कुछ जैसे नहीं होता पार्टी वगैरह करने आते हैं अपने जैसे छोटे छापरे, तो उनको भी बेच देते हैं। मम्मी का एकदम साइड बिजनेस टाइप है वाला मामला, ठीक है। दूध वगैरह हम बेचते हैं नहीं, घर पे ही होता है, छाछ घी वगैरह सब घर का ही है। तो हमारे 2 भैंसे हैं, वो बढ़िया ठीक है, उनका सभी चल रहा है। गाय हैं, पर गाय का दूध हम निकालते हैं नहीं, बछड़ा है वो रोज आता है, गाय का जो बच्चा है वो रोज आता है, हम उसको केलड़ा बोलते हैं, वो रोज आता है, रोटी खाता है फिर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ में घूमने। मम्मी उधर फुल बिजनेस चल रहा है मम्मी का। मम्मी कतरा दिन में थे पता नहीं, एक महीने का है बस। मम्मी अगर तू यह बताओ साल भर थे पर तो मतलब तू तो करोड़पति बन जाओ मम्मी है। हाँ यार मम्मी अमेजोन पर लिस्ट करा था बिजनेस यार, सही बता रहे हो। ये किला गागरौन का, मतलब थोड़ा सा ही है, पूरा 3 किलोमीटर लंबा है, यहाँ से शुरू होता है, वहाँ लास्ट में एक ब्रुज राम ब्रुज करके वहाँ पर एंड होता है। इसका मैंने कभी टूर नहीं दिया, तो इसका भी देंगे हम तुम्हें। मम्मी कोट की तो गोबर है बेचारा। अच्छा जी मम्मी फुल मतलब ये मम्मी शाबाश। और ये हमारा पुराना घर है भाई, इसमें अभी भूसा भरा हुआ है, पहले हम इसी में रहते थे, अभी इस पर शिफ्ट हो गए। ये थोड़ा बहुत अभी बच रहा है इसका पीछे, इस पर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, सामने वाला पोर्शन बनना बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा। देवता अस्त होने वाले हैं, लेकिन एटमोसफियर में गर्मी इतनी भयंकर की है ना भाई, अभी बाहर निकला था मूँछों पर मतलब पसीना सा आ गया है। हमारी गायें भैंसे भी आ गई है, नहीं ये गायें हमारी नहीं है, हमारी भैंसे हैं बस एक, तो मम्मी लेके आई है अभी इनको, ये उधर से जाने वाली थी साइड में, मम्मी पकड़ के लाई, चलो मतलब मम्मी वो पिंडाड़ी बनाने से पहले लेके आ गई। लाली ने तैयारी शुरू कर दी खाना बनाने की शाम होते से ही। डाली सपोर्ट नहीं कर रही है, बाकायदा मैं इसके खिलाफ हूँ। रूम में भयंकर की गर्मी हो रही थी, तो मैं बस घर के पीछे आके बैठ गया। मम्मी उधर बनाई रही थी, अभी नीचे चली गई वो, और जो गोबर है वो लेने गई है। क्या गोबर को गोबर ही बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि भाई हाँ काव डंक और बफेलो डंक और पूप ये तो क्या बोलूँ, ये सब थोड़ी ना बोलूँगा, गोबर है गोबर बोलूँगा यार। ठीक है मम्मी गोबर लेने गई है, क्योंकि अभी और बहुत सारी साइड हैं बची हुई उनको करने के लिए। मैं बस यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि ये वाला जो है ना, मतलब इधर से हवा रुकती है उधर से हवा रुकती है, पूरी सामने से हवा सीधी आती है,
तो यहाँ पे थोड़ी क्या हवा चलती रहती है, पीछे से भी खुला हुआ है और इस तरफ से भी क्या है, मतलब कपड़े रखे हुए इग्नोर करो, तो इधर से क्या, इधर से ना हवा आती है भयंकर की, भयंकर की नहीं, इधर सब तरफ से ना नहरों के इस जगह पर ही हवा आती है। तो मैं यहीं आके बैठा हूँ अभी, मेरी आँख में पता नहीं फिर से कुछ चुभने जैसा होने लग गया, तो मैं अभी जाऊँगा दवाई डालूंगा फिर लेट जाऊँगा, देखते हैं अभी दिखाई देता हूँ एक बार लोगों की क्या हो रहा है। अभी ये वाली छिपकली जो है, ये जो काले कलर का कीड़ा दिख रहा है एक है ना, ये छिपकली, ये काला कीड़ा है इसके पास में, इसको खाने के लिए गई थी लेकिन उसके बिल्कुल पास जाके ये वापस आ गई, क्योंकि शायद वो बड़ा है और ये छोटी है, तो ये निकल ली भाई वहाँ से कट ली, या फिर वो जो कीड़ा है उसका ना शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से ना अभी वो छोटे छोटे से कीड़ा खा रही है, लेकिन वो बड़ा वाला कीड़ा नहीं निपटा भाई ये। और मैं इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नॉलेज गेट वाले चैनल का है डिस्कित मैथमेटिक्स, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। हालत ख़राब, मैं अभी जस्ट नहाया हूँ भाई, नहा के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नहाना ना मेरे को एकदम सोने से पहले अगर नहाने को मिल जाए ना मज़ा आ जाए। ये मैंने लिख दिया रिलेशन, 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 आजकल जो रिलेशन है ना वो बड़ा ख़राब से चल रहे हैं, बहुत लोगों के साथ, बहुत अपने लोगों के साथ, बहुत पराए लोगों के साथ, पराए तो नहीं पर अपने पराए होते टाइम नहीं लगता, मिलते हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत गजब का है गुरु, इसमें बात करनी है मेरे को एक बार ना, मतलब हाँ करनी है, एक बार तो करनी है, अभी नहीं पर करनी ज़रूर है, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, इस टॉपिक में बात करेंगे अपन 14 तारीख के बाद में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लॉग तो लेट आएगा जो 14 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बाद में करेंगे, कभी भी करेंगे, अगर नहीं करूँ तो मेरे को कमेंट कर देना कि रिलेशन पे बात करनी है, अभी पढ़ाई करूँ।